हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपर फोनिक्स यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 49,568 वाली भर्ती को लेकर। एक बड़ी न्यूज है, बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज है दोस्तों, बिल्कुल गुड न्यूज है सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो दोस्तों मेल हो या फीमेल हो, सिविल में सिलेक्टेड है या पीएससी में। दोस्तों बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जैसे दोस्तों हमने आपसे बोला था कि तो जिस भी प्रकार के दोस्तों कोई न्यूज यूपी पुलिस 49,568 वाली भर्ती को लेकर कोई भी बड़ी न्यूज आएगी तो दोस्तों टॉपर फोनिक्स यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सुबह के देखिए 6 बज चुके हैं, सुबह के मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतनी बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूँ, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों जिनका सिलेक्शन हो गया है सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए, सभी को दोस्तों बहुत जल्दी आप सभी को ट्रेनिंग पे भेजने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी है, चलिए फटाफट दोस्तों जल्दी से लाइव आ जाइए। देखिए जब भी कोई जानकारी बड़ी आती है दोस्तों तुरंत आपके साथ में लाइव आता हूँ, ठीक है। और दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी हमारे बाकी साथी जो बचे हुए हैं वो तुरंत दोस्तों लाइव आ जाएं और फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बताता हूँ आपको आज की ये पूरी जानकारी। यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी जानकारी है, यूपी पुलिस 49,568 भर्ती को लेकर दोस्तों मेडिकल ट्रेनिंग सभी पे बात करने वाले हैं और बाद में बात करेंगे आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी को लेकर, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पुरुष और महिला दोनों के लिए है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो पहले बात करेंगे वो बात करेंगे मेडिकल को लेकर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे ट्रेनिंग को लेकर, जो नई अपडेट आ रही है सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके जितने भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखना और सभी डाउट्स पढ़ने के बाद दोस्तों आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ पहले मेडिकल के बारे में, ठीक है। तो मेडिकल को देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखते हुए मैं आपको दोस्तों क्लियर बता देता हूँ कि मेडिकल की डेट जो सामने आ रही है दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से आपका अगले महीने दोस्तों मेडिकल शुरू होने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अगले महीने आपके मेडिकल शुरू होने वाले हैं और दोस्तों बिल्कुल भी अब टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, मेडिकल तुरंत लिया जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल आपका होगा। उसके बाद में दोस्तों ट्रेनिंग तुरंत, जो भी कैंडिडेट देखिए यहाँ पे आपको पता है दोस्तों फाइनल मेरिट पहले ही लग चुकी है, अब कोई भी बंदा अगर मेडिकल में पास हो जाता है तो यहाँ पे दोस्तों आपको तुरंत ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, ठीक है, आपकी जॉब पक्की है मेडिकल में पास होते ही। देखिए दोस्तों मैंने अभी पहले एक जानकारी आपको दी थी कि आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिना मेडिकल के दोस्तों आपको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। आपका मेडिकल पहले होगा उसके बाद में आपको ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी जो न्यूज है आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करिए और आते हैं नीचे। चलिए आते हैं नीचे, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा फैक्टर है दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग के को लेकर दोस्तों वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हाल ही में दोस्तों आप सभी को पता है कितना सुर्खियों में है और इसने पूरे दोस्तों पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अपने पूरे भारत में इसी की वजह से दोस्तों 21 दिन का फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए यूपी में, तो यूपी में दोस्तों इसका कहर थमने का बिल्कुल भी नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। और दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए जानकारी मैं दे देता हूँ कि दोस्तों खाली यूपी की अगर बात की जाए तो देखिए ये जो हमारी वैकेंसी है, पहले वैकेंसी पे बात करते हैं, यूपी पुलिस 49,568 वाली जो वैकेंसी है उसको लेकर दोस्तों ये देखिए यूपी की वैकेंसी है, तो हमें पूरे ऑल इंडिया बात नहीं करनी है, यूपी की बात करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूपी है दोस्तों उसमें 37,000 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं खाली यूपी में जो दोस्तों विदेशों से आए हैं, जो दोस्तों किसी अलग देश से जिसने दोस्तों जर्नी करके जो अभी हाल ही में यूपी में लौटे हैं, ठीक है। तो कितने हैं वो 37,000 प्लस। अब देखिए दोस्तों इतनी बड़ी तादाद में इतनी जनसंख्या यहाँ पे आई है यूपी में और दोस्तों जिसकी वजह से कोरोना वायरस का संकट बहुत ज़्यादा बड़ा है यूपी में। अब सभी को पता है दोस्तों कोरोना वायरस जो है थर्ड स्टेज में दोस्तों बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। और इसी के चलते दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी यही है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर किसी भी वजह से ये दोस्तों थर्ड स्टेज में आ गया तो फिर बहुत बड़ा लॉस होने वाला है पूरे ऑल इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो फैक्टर है 37,000 वाला बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए आपको पता है एनआरसी वाला जो मुद्दा था दोस्तों
वो तो बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा था, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था कि यूपी की जो वैकेंसी थी 41,520, 41,520 वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो पीएससी सिलेक्टेड बंदे थे जो ट्रेनिंग पे थे, दोस्तों कितनी, सिर्फ 1 महीने की भी ट्रेनिंग उन वो पूरी नहीं कर पाए थे, 1 या 1.5 महीने की पूरी कुल की थी। और दोस्तों उन्हीं सभी को लगा दिया था, सभी को लगा दिया था उसी वाले मुद्दे को लेकर, ठीक है, बीच ट्रेनिंग में से दोस्तों उन्होंने सभी को लगा दिया था। तो दोस्तों यही बहुत बड़ी वजह है कोरोना वायरस की वजह से, दोस्तों यहाँ पे आप सभी को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। सभी तैयार रहिए, आप खुद देखिए दोस्तों आप कितना तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी आपका मेडिकल हो जाएगा अगले महीने, ठीक है, बड़ी न्यूज है, अगले महीने आपका मेडिकल होगा। उसके बाद में दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात, आपका दोस्तों देखिए बिना मेडिकल हुए आपका आपको दोस्तों ट्रेनिंग पे नहीं बुलाया जाएगा, पहले मेडिकल होगा उसके बाद में आपको दोस्तों ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। और ट्रेनिंग के जैसे ही कुछ दिन होंगे तुरंत आपको दोस्तों जन सेवा में लगा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यूपी पुलिस का बहुत बड़ा रोल चल रहा है फिलहाल इस चीज़ को लेकर, बहुत बड़ा रोल चल रहा है। और आगे भी देखिए दोस्तों अभी तो हालत इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं हुई है जितनी आने वाले हमें अगले महीने तक मिल जाएगी, बहुत बड़ी हालत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये भारत देश है, किसी की सुनता नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मेडिकल की, बात देखिए अगले महीने में दोस्तों शुरू होंगे आपके मेडिकल, अगले महीने में आपके मेडिकल शुरू होंगे। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया है मेडिकल होंगे बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होंगे, कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं जाएगा, वही बार होगा दोस्तों जिसका मेडिकल ज़्यादा ही बेकार होगा, ठीक है। मेडिकल में दोस्तों नॉर्मली सब कुछ आँख नाक चेक जो भी किया जाएगा, कान वाहन आग वाक जो टांग वांग जो भी चीज़ चेक किया जाएगा, उन सभी पे दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इसी में दोस्तों अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मेडिकल से संबंधित वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत नॉर्मली सब बातें बताई गई हैं उसमें, बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत नॉर्मल टेस्ट होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। अब तो देखिए सिचुएशन इतनी ख़राब हो रही है फिलहाल, मैं आपको दोस्तों क्लियर बात बता देता हूँ, इतना इजी होगा, बहुत इजी, बहुत नॉर्मल टेस्ट होगा मेडिकल का, ठीक है। और दोस्तों मेडिकल में वही बाहर होगा जिसका मेडिकल बहुत ज़्यादा ही बेकार होगा, बहुत ज़्यादा ही बेकार जिसका मेडिकल होगा वही बाहर होगा, वरना दोस्तों इतने बंदे पास किए हैं कि जितने की वैकेंसी है, ठीक है, बच्चों को बाहर बिना फालतू में नहीं किया जाएगा, उन्हें दोस्तों बाहर करने में कोई खुशी नहीं होती है, ठीक है, कि बिना फालतू में बच्चों को बाहर किया जाए। देखिए सभी को पता है अगर कोई कैंडिडेट यहाँ तक आ रहा है तो बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बड़ी जानकारी ये है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी रखिए मेडिकल की, ठीक है। अगर दोस्तों हालत थोड़ी सी भी गंभीर हुई इनकी वजह से, यूपी में इनकी वजह से अगर हालत थोड़ी सी भी गंभीर हुई तो तुरंत आपको बुलाया जाएगा। और दोस्तों अपनी तैयारी को इतना अच्छे से रखिएगा कि दोस्तों आप जाके वहाँ पे ज्वाइन ट्रेनिंग कर सको और ज्वाइनिंग ले सको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे और छोटी सी आपको और जानकारी दे देता हूँ, यहाँ पे देखिए बात करेंगे दोस्तों ट्रेनिंग के बारे में, जैसे दोस्तों आपका मेडिकल होगा तुरंत उसके बाद में मेडिकल के तुरंत बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग मेडिकल के तुरंत बाद आपकी ट्रेनिंग कर दी जाएगी, अपने आप को दोस्तों तैयार रखिएगा, बिना मेडिकल दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि बिना मेडिकल और बिना ट्रेनिंग हो आपको ज्वाइनिंग मिल जाए और आपको कार्य करने पे लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। मेडिकल आपका होगा, उसके बाद में कुछ दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी 20 से 25 दिन, और तुरंत आपको दोस्तों जैसे कि पीएससी की 41,520 के साथ हुआ था सेम वैसे ही कंडीशन आपके साथ होने वाली है, ठीक है। और ये दोस्तों वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सिविल हो या पीएससी। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर अगर हालत गंभीर हुई और दोस्तों आपको बुलाया गया तो ये मत सोचेगा कि पीएससी वालों को नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ सिविल वालों को बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सभी को बुलाया जाएगा, ठीक है, सभी को बुलाया जाएगा। और ये देखिए मेडिकल का दोस्तों बड़े पैमाने पर तुरंत कर लिए जाएंगे, ठीक है, तुरंत किए जाएंगे तुरंत, और उसके बाद में तुरंत आपको दी जाएगी ट्रेनिंग सेम वैसे ही जैसे 41,520 के पीएससी के साथ हुआ था। और देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके दोस्तों मैं ये कंडीशन हालात देखते हुए बता सकता हूँ दोस्तों, ये आपकी जो ट्रेनिंग है ये दोस्तों
आपकी 20 से 25 दिन के तुरंत बाद आपको दोस्तों यहाँ पे कार्य पे लगा दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों बीच ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग छोड़ के जो आपसे काम करवाया जाएगा सेवा का, वो दोस्तों आपको 1 माह से 2 माह तक करना पड़ सकता है, ठीक है, 1 महीने से 2 महीने तक। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही हमारे सिचुएशन अच्छी होगी, तुरंत दोस्तों आपकी फिर से जैसे फिलहाल 41,520 की PSC की दोबारा से ट्रेनिंग हो रही है, सेम वैसे ही आपके साथ होगी। तो अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो आपको दोस्तों बिल्कुल तैयार रहना है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। और दोस्तों बाकी कोई भी बड़ी न्यूज आएगी तो सबसे पहले टॉपर फोनिक्स यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा। चैनल बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये देखिए लॉकडाउन जो हमारा है 21 दिन का, ठीक है, लॉकडाउन है हमारा 21 दिन का। आज दोस्तों देखिए एक बड़ी न्यूज आपको और बता देता हूँ कि दोस्तों अपने भारत के रेलवे ने दोस्तों 30,000 प्लस सीटों को बनाया है रेलवे डिब्बों में, ठीक है, जो दोस्तों पूरा मेडिकल का काम किया है, जो दोस्त अस्पताल का पूरा जो दो जो होता है सिस्टम जो रेलवे में किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, यहाँ पे कोरोना वायरस का कहर कहाँ तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने भारत में कहाँ तक जा सकता है दोस्तों। किसी भी चीज़ यहाँ पे देखिए अभी तक लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक बना रखा है कोरोना वायरस को, हालत बहुत गंभीर होने वाली है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा बदतर हो जाएगी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इटली में देखिए, फ्रांस में देखिए, अमेरिका में देखिए दोस्तों, और ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं अपने भारत की जनसंख्या को देखने, मतलब जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों बहुत छोटे छोटे देश हैं वो, उनमें इतना बड़ा कहर है। और यहाँ पे अगर दोस्तों कोरोना वायरस फैल गया आगे को तो दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा बदतर हालात होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी से हमारी बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी दिन दोस्तों आपके अभी दोस्तों मेडिकल के बचे हुए हैं और उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, आप अपने आप को दोस्तों सही सलामत रखिएगा, फालतू इधर उधर मत घूमिएगा, और दोस्तों कोई भी कदम ऐसा मत उठाना जिससे भी कोई भी दिक्कत आपको आ जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से दोस्तों रहना है, और जैसे ही कोई यहाँ पे खबर आएगी निकल के 49,568 वाली भर्ती को लेकर, तुरंत मैं दोस्तों लाइव आऊँगा और आपके जितने भी यहाँ पे दोस्तों सवाल बनेंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे सभी पे बात करूँगा, ठीक है। और छोटी मोटी जैसी भी जानकारी आएगी सबसे पहले पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों तक दोस्तों टॉपर फोनिक्स यूट्यूब चैनल के द्वारा पहुँचाई जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें ऑफलाइन कमेंट्स करना, हम दोस्तों हर कमेंट्स की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों एक छोटी सी न्यूज आ रही थी निकल के, जिसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी देनी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे ही कोई छोटी मोटी कैसी भी जानकारी यूपी पुलिस से संबंधित आएगी, तुरंत सबसे पहले टॉपर फोनिक्स यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।